खुर्सीपार निवासी युवक मलकी सिंह की हत्या के विरोध में एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने छत्तीसगढ़ सिख पंचायत द्वारा प्रस्तावित दुर्ग भिलाई बंद के आह्वान को भाजपा ने अपना समर्थन देते हुए दुकानों को बंद कराया। सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ता दुकानों को बंद करने की अपील करते नजर आए। बीते दिनों खुर्सीपार क्षेत्र में युवक मलकीत सिंह की नृशंस से हत्या कर दी गई थी। हत्या से आक्रोशित सिख समुदाय के लोगों द्वारा घटना के उपरांत से ही मलकीत सिंह और मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने धरना दिया जा रहा है। इसी के तहत 18 सितंबर को छत्तीसगढ़ सिख पंचायत द्वारा दुर्ग भिलाई बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद के आह्वान को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना पूर्ण समर्थन देते हुए भिलाई दुर्ग में दुकानों को बंद करवाया गया। सुबह से ही भिलाई में भाजपा कार्यकर्ता दुकानों को बंद करते नजर आए। इस बंद का व्यापक रूप से असर देखने को मिला। कुछ दुकानदारों ने स्वमेव अपनी दुकानें बंद रखी। वहीं ऐसे भी कुछ दुकानदार नजर आए जो बंद समर्थकों को आता देख अपनी दुकानों को बंद करते रहे। इसी कड़ी में पावर हाउस रविशंकर शुक्ला मार्केट सहित अन्य स्थानों में सामाजिक कार्यकर्ता सुमनशील कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अनेकों सदस्यों के साथ दुकानों को बंद करते नजर आए। मलकीत सिंह को न्याय दिलाने उपस्थित लोगों को संबोधित भी उन्होंने किया। सुपेला लक्ष्मी मार्केट में बंद का व्यापक असर रहा। बंद की जानकारी भाजपा नेता रमेश श्रीवास्तव ने दी। भिलाई बहुत ही शांतिप्रिय जगह है। छोटी छोटी बात पे हत्या, मारपीट और इस प्रकार के जो जघन्य अपराध है पिछले 2-4 साल से बहुत ज्यादा बढ़ गए। मलकीत सिंह के साथ छोटी सी बात पे इतना बड़ा विवाद हुआ को उसको बहुत निर्दय तरीका से कुछ लोगों ने मिलकर मारा। मुख्य बात यह है कि हम सबका निवेदन है कि तत्काल अपराधियों को अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर तत्काल उचित धाराएं लगाकर जेल भेजा जाए और जो अधिकारी इनको संरक्षण देना चाहता है या जो भी राजनेता इनको संरक्षण देना चाहता है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए और परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और जो उनकी मांग है परिवार वालों की और समाज वालों की कि उनको 50 लाख मुआवजा और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। इसमें कोई परेशानी नहीं क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले बार भी जो है ना दूसरे प्रदेश में जाके 50 लाख रुपए का इनाम का घोषणा कर चुके हैं और इनाम वो मुआवजा दिए हैं दूसरे प्रदेश में जाकर, तो हमारे प्रदेश में क्यों नहीं दे सकते। गौरतलब है कि मलकीत सिंह की हत्या के बाद से संपूर्ण छत्तीसगढ़ का सिख समाज आक्रोश में है। सिख समुदाय के लोगों द्वारा इस मामले में सम्मिलित सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की जा रही है। साथ ही मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग भी छत्तीसगढ़ शासन से की जा रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।